वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हुवाई के दो स्मार्टफोन के बारे में, हुवाई नोवा 6 5G के बारे में और नोवा 5T के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। नोवा 6 में आपको 6.57 इंचेस का फुल एचडी प्लस LTPS IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसके फ्रंट और बैक पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला का आपका प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। इसमें आपको एल्युमिनियम का फ्रेम भी दिया गया है। और दूसरी तरफ बात करें नोवा 5T की, तो इसमें आपको 6.26 इंचेस का फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें भी आपको फ्रंट और बैक पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है और इसमें भी आपको एल्युमिनियम का फ्रेम देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आगे बात करूँ मैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो हुवाई नोवा 6 में आपको ही सिलिकन किरण का 990 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और इसके GPU यानी ग्राफिक्स की बात करते हैं, इसमें आपको मालिका G76 MP16 का ग्राफिक देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ बात करें नोवा 5T की, तो इसमें आपको ही सिलिकन किरण का 980 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और इसके GPU की बात करें तो इसमें आपको मालिका G76 MP10 का GPU देखने को मिलता है। इसमें आपको ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिल जाएगा, 40 MP का मेन कैमरा प्लस 8 MP का टेलीफोटो लेंस प्लस 8 MP का अल्ट्रा वाइड। और दूसरी तरफ बात करें हुवाई नोवा 5T की, तो इसमें आपको क्वैड कैमरा देखने को मिलता है, 48 MP का मेन कैमरा प्लस 16 MP का अल्ट्रा वाइड प्लस 2 MP का माइक्रो प्लस डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की बात करें तो हुवाई नोवा 6 में आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाता है, 32 MP का प्लस 8 MP का अल्ट्रा वाइड। और दूसरी तरफ नोवा 5T में आपको सिंगल ही कैमरा देखने को मिलता है जो कि 32 MP के साथ देखने को मिले। तो लास्ट में बात करूंगा दोनों स्मार्टफोन की बैटरी प्राइस के बारे में, तो नोवा 6 में आपको 4200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इसमें आपको 14W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। और दूसरी तरफ बात करें नोवा 5T के बारे में, तो इसमें आपको 3750 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको 22.5W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।